आज का जो टॉपिक है प्रोपोर्शनल काउंटर यानी कि आनुपातिक गणित, आइए सबसे पहले हम इसकी बनावट के बारे में चर्चा करते हैं। यह जो काउंटर है ये प्रोपोर्शनल रीजन के बीच में कार्य करता है, जिसके लिए आरोपित वोल्टता का मान 200 वोल्ट से 800 वोल्ट के बीच का होता है। 200 वोल्ट से 800 वोल्ट के बीच में ये प्रोपोर्शनल काउंटर काम करता है। इस प्रोपोर्शनल काउंटर में जो हमारे पास में ये मेटेलिक ट्यूब है, इस मेटेलिक ट्यूब के अंदर आर्गन और मीथेन गैस का 90% और 10% का मिक्सचर इसके अंदर एक वायुमंडल या इससे कम दाब पर भरा जाता है, और इस मेटेलिक ट्यूब के अक्ष पर एक महीन वायर होता है जिसको कि हम एनोड कहते हैं, और जब इस पर सिग्नल अप्लाई किया जाता है, हाई टेंशन वोल्टेज इसके ऊपर लगाई जाती है, तो ये वायर इस मेटेलिक ट्यूब से टच ना हो, तो उसके लिए हम इस वायर के फ्री एंड पर एक कांच का मनका या ग्लास बीड लगा देते हैं। ये जो वायर है ये एनोड का काम करता है। इलेक्ट्रोड के मध्य आनुपातिक क्षेत्र में के बराबर वोल्टता आरोपित करने पर जो आयोनाइजेशन चैम्बर में गैस का मल्टीप्लिकेशन प्रारंभ हो जाता है, और इसके कारण प्रतिरोध आर के मध्य एक पल्स वोल्टेज प्राप्त होगी। यह वोल्टता आयोनाइजेशन कण द्वारा प्रेरित प्राथमिक आयन के समानुपाती होती है। गैस गुणन प्रक्रिया को आयन प्रकोष्ठ में प्रारंभ करने के लिए इलेक्ट्रोड को समक्ष बेलनाकार की प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होगा ये कैसा होगा, समक्ष होना चाहिए। आइए हम इसके कार्य विधि को समझते हैं। क्योंकि इस काउंटर के अंदर आरोपित वोल्टता का मान अधिक होने के कारण आयनाइजेशन पार्टिकल द्वारा उत्पन्न जो आयन पेयर्स हैं गैस के उदासीन परमाणुओं या अणुओं के कोलिजन कर अधिक संख्या में आयन उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को गैस मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। इसमें आयनों में गुणोत्तर वृद्धि होती है, और आयनों की इस प्रकार की वृद्धि को हम एवलांश भी कहते हैं। इस एवलांश को टाउनसेंड एवलांश भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया एनोड तार के एक बिंदु पर होती है और धीरे धीरे पूरे तार पर फैल जाती है। यह प्रक्रिया एनोड के व्यास और कैथोड की त्रिज्या के साथ साथ आरोपित वोल्टता और गैस की प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करती है। गैस गुण प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए बहुत अधिक विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यदि हम ये मान लें कि ये जो एनोड वायर है इसकी रेडियस आर ए तथा कैथोड नली की जो त्रिज्या कैथोड नली है इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर बी के बराबर है, तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य वी वोल्टेज का पोटेंशियल लगाने पर इस एक्सिस से आर दूरी पर यानी कि यहां से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किसके बराबर दिया जाता है, E इक्वल्स टू V अपॉन R लॉग आर बी अपॉन आर ए। इस समीकरण में एनोड के पृष्ठ पर यानी R इक्वल्स टू आर ए इसके अंदर यदि सब्स्टिट्यूट कर दें तो R इक्वल्स टू आर ए मतलब क्या हुआ हमारे पास में कि एनोड का जो पृष्ठ एरिया है यानी इसके ये एनोड वायर है हमारे पास में, इसके इस पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र E का मान सबसे अधिक प्राप्त होगा, और इस अधिक विद्युत क्षेत्र के कारण गैस का गुणन प्रारंभ हो जाता है, जिससे एनोड तार के समीप एवलांश की घटना प्रारंभ होना शुरू हो जाती है, और इस प्रकार एवलांश से उत्पन्न सभी इलेक्ट्रॉन 1 नैनोसेकंड में एनोड पर संग्रहित हो जाते हैं, और प्रत्येक पल्स के दौरान जो पॉजिटिव आयन्स है उनका क्लाउड बन जाता है, जिससे इनके अंतराकाशीय आवेश की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों से प्राप्त वोल्टता स्पंद अल्प होने के कारण मुख्य वोल्टता स्पंद धन आयनों से निर्धारित होती है। इसमें प्रारंभ में जो पल्सेज हैं वो तेजी से बढ़ते हैं, बाद में टाइम कॉन्स्टेंट के अनुसार घट जाती है। इस अनुपातिक गणित या प्रोपोर्शनल काउंटर इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, इसका उपयोग हम जो निम्न ऊर्जा के आयनकारी कण होते हैं जिनका अल्प आयन जैसे
बीटा पार्टिकल, जिसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों ही पार्टिकल बीटा कण कहलाते हैं, के कारण आयनन कक्ष से प्राप्त स्पंद वोल्टता का मान का जो मापन है वो माइक्रोवोल्ट से भी कम होने के कारण उत्पन्न वोल्टता स्पंद का संश्लेषण नहीं किया जा सकता। लेकिन आनुपातिक गणित में गैस कण एनोड के समीप, गैस का मल्टीप्लीकेशन कहाँ हो रहा है, एनोड के समीप हो रहा है स्पंद के कारण स्पंद वोल्टता का मान माइक्रोवोल्ट की वोल्टर का प्राप्त हो जाता है, अतः इनका संश्लेषण आसानी से कर लिया जाता है। तो इस प्रकार इस गणित की सहायता से हम बीटा पार्टिकल्स का संश्लेषण कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं, इसके साथ साथ एल्फा पार्टिकल्स, गामा विकिरण और एक्स किरणों का भी संश्लेषण किया जा सकता है। इस गणित यानी इस काउंटर की जो डिमेरिट्स है, कमी है, वो ये है कि इसमें गैस मल्टीप्लीकेशन जो है ये आरोपित वोल्टता के मान के ऊपर निर्भर करती है, V के ऊपर ये क्या कर रहा है, निर्भर कर रही है। अब चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तभी गैस का मल्टीप्लीकेशन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर, आरोपित वोल्टता V के मान के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में गणित में आरोपित वोल्टता को कॉन्स्टेंट बनाए रखना आवश्यक होता है, ये इसका डीमेरिट या ड्रॉबैक कहलाता है। अगला जो है हमारे पास में वो है जीएम काउंटर। जैसा कि जीएम काउंटर के बारे में हमने यहां पर इसका रेखा चित्र बना रखा है, ये जीएम काउंटर जो है जिसको हम गाइगर व मूलर गणित या गाइगर मूलर काउंटर भी कहते हैं। यह गाइगर और मूलर के द्वारा 1928 में प्रस्तावित किया गया था। इसमें कॉपर की एक कोएक्सियल बेलनाकार ट्यूब होती है, ये मेटलिक ट्यूब कौन सी होती है, ये कॉपर की होती है, जिसके अक्ष के अनुदिश एक महीन मेटलिक वायर टंगस्टन का लगा रहता है। ये मेटलिक वायर टंगस्टन का लगा हुआ है जो कि एनोड कहलाता है। यह जो काउंटर है गाइगर क्षेत्र में प्लेटो रीजन के अंदर कार्य करता है, जिसके संगत वोल्टता का मान 800 से 2000 वोल्ट के मध्य का होता है। जीएम काउंटर में सामान्यतः हम लोग 2 से 10 सेंटीमीटर मरकरी के दाब पर 90% आर्गन गैस, यानी जो इसके अंदर गैस का मिक्सचर होगा वो आर्गन गैस 90% और रिमेनिंग जो हमारे पास में 10% होगी उसको लिए हम इथाइल एल्कोहल का उपयोग करते हैं, C2H5OH, ये 10%, और ये C2H5OH जो है ये क्विंचिंग एजेंट यानी शमनकारी भी कहलाता है। अल्प ऊर्जा के कणों के डिटेक्शन के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक माइका की विंडो, अभ्रक की विंडो बना लगाते हैं जो नली के ऊपर लगा दी जाती है, जिससे कि आयनकारी जो कण है प्रवेश इस ट्यूब के अंदर कर सके और गैस का आयनन प्रारंभ कर सके। जब इलेक्ट्रॉनों के मध्य वांछित वोल्टता की वोल्टता परास की वोल्टता आरोपित कर दी जाती है तो आयनकारी कण द्वारा आयनन कक्ष में उत्पन्न आयनन द्वारा स्पंद धारा प्रतिरोध आर के सिरों के मध्य वोल्टेज पल्स जनरेट करती है। वोल्टेज पल्स कहां जनरेट होगी, इस रेजिस्टेंस के सिरों पर होगी, और इस पल्स को हम लोग एम्पलीफायर से क्या कर देते हैं, एम्पलीफाई करके उसका मापन कर लेते हैं। आइए हम इस जीएम काउंटर के सिद्धांत की चर्चा करते हैं। जब आयनन कोष्ट में आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर आयनकारी कण प्रवेश करता है तो गैस के आयनन के फलस्वरूप उत्पन्न इलेक्ट्रॉन व धन आयन संगत इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं। जैसा कि पहले हम आयनाइजेशन चैम्बर के बारे में बता चुके हैं, एनोड की ओर गतिशील इलेक्ट्रॉन उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण गैस के परमाणुओं से टक्कर कर सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोसेस प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो प्राइमरी आयनाइजेशन से जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे उनकी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये अधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन गैस के अणुओं के साथ में इंट्रेक्शन करके गैस के अणुओं का फर्दर आयनाइजेशन करके सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन और सेकेंडरी धन आयन जनरेट करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो एवलांश की घटना है इस पूरे संपूर्ण एनोड वायर के ऊपर फैल जाती है और इस कारण आयन कक्ष में
करंट की पल्स जनरेट होती है और जिसे हम प्रतिरोध आर के मध्य स्पंद वोल्टता के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। इस गणित को आयनकारी कक्ष की ऊर्जा के मापन में प्रयुक्त नहीं किया जाता क्योंकि जीएम क्षेत्र के अंदर जो पल्स की हाइट है आपतित कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए इस जीएम काउंटर को हम ब्लाइंड डिटेक्टर या ब्लाइंड काउंटर भी कहते हैं। अब बात करते हैं गाइगर डिस्चार्ज क्या होता है। देखिए आनुपातिक क्षेत्र में टाउनसेंड एवलांच से जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स हैं आयन उत्पन्न होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की गैस परमाणु या अणु के साथ कोलिजन से कुछ संभावना यह होती है कि परमाणु या अणु एक्साइटेड हो जाएं और ये उत्तेजित परमाणु नैनो सेकंड में अनुत्तेजित यानी डी एक्साइटेड होकर अगेन निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाए और इस समय एक फोटोन का उत्सर्जन होगा क्योंकि हाई एनर्जी से किस पर आए हैं वो लो एनर्जी पर आए हैं और इस समय जो फोटोन उत्सर्जित होता है उसकी तरंग दैर्ध्य या तो विजिबल रेंज की होगी या अल्ट्रावायलेट रेंज की प्राप्त होती है और यह उत्सर्जित फोटोन ही गाइगर डिस्चार्ज यानी गाइगर विसर्जन के लिए जिम्मेदार होता है। अब इस फोटोन के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटीज तो क्या होगी हमारे पास में कि काउंटर में भरी हुई गैस के परमाणु के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करे या दूसरा फोटोन कैथोड पर पहुंच करके फ्री इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करे। दोनों ही स्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर गतिशील रहते हुए संपूर्ण नली के अंदर क्या करेंगे एवलांच को उत्पन्न कर देते हैं और इसको ही हम लोग क्या कहते हैं गाइगर विसर्जन कहते हैं। यह है गैस गुणन गुणांक या गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एम पर भी निर्भर करता है। जैसे जो प्रोपोर्शनल काउंटर के लिए जो हमारे पास में गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू एम 10^2 से 10^4 के ऑर्डर की होती है और प्राथमिक एवलांश में उत्पन्न उत्तेजित अणु की संख्या एन डैश भी क्या होगी बहुत कम होती है किसमें आनुपातिक गणित के लिए। लेकिन विजिबल और अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स के लिए भरी हुई गैस ट्रांसपेरेंट होती है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से अवशोषण की संभावना जो है प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम प्राप्त होती है। जीएम काउंटर में जो गैस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है वो 10^6 से 10^8 ऑर्डर का होता है यानी कि इससे बहुत ज्यादा होता है। प्रत्येक एवलांश में आयन पेयर और एक्साइटेड अणु को उत्पन्न होने में लगने वाला समय माइक्रोसेकंड का कुछ ही पार्ट होता है। फोटोन मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं जो कि प्राथमिक एवलांश के समीप होता है। यह उच्च विद्युत क्षेत्र में अन्य एवलांश उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार एनोड तार के अनुदिश दोनों तरफ गाइगर डिस्चार्ज डेवलप करता है। गाइगर डिस्चार्ज की समाप्ति के लिए इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न एवलांश से उत्पन्न पॉजिटिव आयन्स के क्लाउड जिम्मेदार होंगे। धनायनों की जो गतिशीलता है इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत कम होने के कारण एनोड के पास धन आवेशों की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है जिससे एनोड के नजदीक विद्युत क्षेत्र का जो मैग्नीट्यूड एवलांश उत्पन्न करने के लिए आवश्यक मान से भी कम प्राप्त हो जाता है और ऐसी स्थिति में जब आपके पास में एवलांश का मैग्नीट्यूड कम हो गया तो धीरे धीरे गाइगर विसर्जन अंततः समाप्त हो जाता है। जीएम काउंटर के अंदर क्विंचिंग क्या है या शमनकारी घटना क्या है आइए इसे अब हम समझते हैं। जब जीएम ट्यूब में गैस भरी होती है तो उत्पन्न आयन समान गैस के की जो कैटेगरी है उसी के होते हैं। प्राइमरी गाइगर डिस्चार्ज समाप्त होने के बाद जो धनायन है मंद गति से कैथोड की ओर गति करेंगे और कैथोड नली से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उदासीन परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन यदि गतिशील धनायन की ऊर्जा कैथोड की धातु के वर्क फंक्शन से बहुत अधिक है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एनोड तार की ओर गति करते हैं और जब ये गति करेंगे तो क्या करेंगे एवलांश उत्पन्न करते जाएंगे और इससे सेकेंडरी गाइगर डिस्चार्ज प्रारंभ हो जाता है।
सेकेंडरी गाइगर डिस्चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें पल्स वोल्टेज का मैग्नीट्यूड प्राइमरी डिस्चार्ज के बराबर होता है। इस प्रकार हमें विभिन्न प्रकार की पल्सेस प्राप्त होती हैं और यह विसर्जन जो डिस्चार्ज है स्थायी न होकर अल्प समय का होता है, जिसे जो हमारा काउंटर है यदि सुग्राही है और उसका विभेदन का रिजोल्विंग टाइम न्यूनतम है तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। विसर्जन जो डिस्चार्ज के समाप्ति की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, शमन प्रक्रिया कहते हैं। एनोड तार के चारों ओर धनावेश सतह बनने के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभवांतर भी कम हो जाता है। इस समय में यदि कोई अन्य आयनकारी कण प्रवेश करता है तो ऐसी स्थिति में गणित जो है हमारा जो काउंटर है वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता, यानी कि इस समय को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस काउंटर का डेड टाइम कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में डेड टाइम के पश्चात काउंटर को पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आने के लिए यानी कुछ समय और लगता है और इस टाइम पीरियड को हम रिकवरी टाइम कहते हैं। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं रिकवरी टाइम गाइगर ट्यूब के लिए वह टाइम इंटरवल है जो उसे वास्तविक स्थिति में लाने व पूर्ण मैग्नीट्यूड की सेकेंडरी पल्स उत्पन्न करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होता है। जो हमारे पास में डेड टाइम और रिकवरी टाइम है, इन दोनों का जो सम है वो जीएम काउंटर का पैरालिसिस टाइम कहलाता है। गणित ये काउंटर है, इसका रिजोल्विंग टाइम कम करने के लिए हम लोग आंतरिक क्विंचिंग प्रोसेस का उपयोग करते हैं, इंटरनल क्विंचिंग प्रोसेस का उपयोग करते हैं और इसके लिए हम क्विंचिंग एजेंट के लिए इथाइल एल्कोहल को हम इसके अंदर काम में लेते हैं। इस क्विंचिंग एजेंट की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसकी मुख्य रूप से दो विशेषताएं होती हैं कि जीएम ट्यूब में जो भरी हुई गैस है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्विंचिंग गैस से अधिक होना चाहिए और दूसरा जो हमारे पास में क्विंचिंग एजेंट है उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी कैसी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होनी चाहिए, जिससे कि एक्साइटेशन अवस्था में होने पर फोटोन उत्सर्जन के द्वारा डीएक्साइटेड होने की अपेक्षा उसमें विभाजित होने की संभावना यानी क्षमता हो। तो इस प्रकार से हम लोग क्विंचिंग एजेंट को डिफाइन करते हैं। तो ये आज हमारे दो टॉपिक थे, एक तो प्रोपोर्शनल काउंटर का बारे में हमने देखा और दूसरा हमने जीएम काउंटर और इसका वर्किंग प्रोसेस क्या था और शमनकारी यानी क्विंचिंग इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में समझा। थैंक यू।